यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले तैयारी शुरू हो चुकी है। यह तैयारी पंचायत चुनाव के जरिए शुरू हुई है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस बार यूपी में 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में 18 जिले, दूसरे फेज में 20, तीसरे में भी 20 और चौथे फेज में 17 जिलों में चुनाव होगा। सबसे बड़े सूबे में सत्ता के सेमीफाइनल की डुगडुगी बची और गांव प्रखंड पंचायतों में सियासी समीकरण सेट होने लगे। 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने जो तारीखें तय की हैं, उसके मुताबिक 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव होगा। 58,189 ग्राम पंचायतों के लिए 12,39,00,000 मतदाता वोट करेंगे। 826 क्षेत्र पंचायत और 75 जिला पंचायतों के लिए 2,03,050 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 मई को पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ एनएससी की कार्रवाई की जाएगी। चुनावों के दौरान सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम रहेंगे। जोनल मजिस्ट्रेटों को भी खास जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यूं तो अभी पंचायत चुनाव की रूपरेखा तैयार हुई है यूपी में, लेकिन इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि साल भर से भी कम समय रह गया है यूपी चुनाव में। लिहाजा पंचायत और जिला चुनाव के जरिए तमाम पार्टियां मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।